नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। युद्ध के 17वें दिन इसराइल ने अब एक बड़ी तैयारी के तहत जमीनी लड़ाई छेड़ने का ऐलान करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि गाजा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर अब सेना की वो टुकड़ी जा खड़ी हुई है जिसको जमीनी लड़ाई की शुरुआत करनी है, अर्थात हमास के रणनीतिक क्षेत्र बिल्कुल बीचों बीच शहर के प्रवेश करना है। इसके मतलब और मायने समझे जाने चाहिए, और वो ये है कि उत्तरी गाजा से जिस तरीके से सभी नागरिकों को छोड़ करके दक्षिण गाजा में जाने के लिए कहा गया, इसके बाद ये तय हो गया कि अब जमीनी लड़ाई के जरिए एलिमिनेट करने का फाइनल कार्यक्रम इसराइल की आर्मी शुरू कर देगी। ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, उसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने बाकायदा ऐलान किया था कि अगले 50 वर्षों तक हमास को हम इस स्थिति में कर देंगे कि उसका कोई वजूद लगभग रह ही नहीं जाएगा। और उसी के तहत कमांड सेंटर को खत्म करते हुए सभी रणनीतिक इकाइयों को खत्म करते हुए हमास को अब बर्बाद और तबाह करने की एक बड़ी योजना के तहत इसराइल की सेना गाजा में प्रवेश करेगी। 3.5 लाख से अधिक सैनिक, जिसमें पैदल सैनिक, टैंक और टैंक में भी मरकावा टैंक के जरिए अब इसराइल गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश करेगा और वहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एक घर का सर्च ऑपरेशन के तहत सर्च किया जाएगा और सभी लोगों को बाहर निकाल करके उनकी पहचान की जाएगी। अगर उस स्थिति में भी हमास के कोई भी कार्यकर्ता या आतंकी, आप जिसे कह सकते हैं, वो पाया जाएगा तो उसे उसके साथ या तो गिरफ्तार किया जाएगा या गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। ये सारी जानकारियां कुछ पत्रकारों के रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और IDF ने इस तरह का संकेत भी किया है। मतलब साफ है कि अब एरियल अटैक, जिसे हवाई हमला कहते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो रही है हवाई हमले में, तो उससे ज्यादा से ज्यादा नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसके कारण इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है इसराइल पर, और उसकी छवि जो है वो खराब हो रही है। और उसमें भी इस्लामिक जगत के लोग बाकायदा इसराइल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और ये वॉर प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह का है कि हर एक कन्वेंशंस का, जिसमें युद्ध के कुछ नियम होते हैं, इसराइल उसका पालन नहीं कर रहा है। इसलिए इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक युद्ध अपराधी की भूमिका में उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उस भूमिका में है। और अगर ये बात हुई तो जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरुआत करने के बाद व्लादिमीर पुतिन पर पश्चिमी देशों ने कई सैंक्शंस लगाए हैं, और ये भी कहा जाता है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, हालांकि वो मुद्दा दूसरा है, उसमें पुतिन के खिलाफ जो गिरफ्तारी का मामला है वो दूसरा है। लेकिन अब अगर इस तरह की स्थिति इसराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी की जाती है या बनाई जाती है, तो इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो भी तब जब इसराइल के अंदर भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो इसराइली सरकार का विरोध कर रहे हैं, कि जिस तरह से इंटेंसिव बमबारी की जा रही है, उसके कारण से इसराइल की छवि पूरी दुनिया में, जो पहले से ही खराब है, ज्यादा खराब हो रही है। और ज्यूज एक्ट के तहत जिस तरीके से मास जिनोसाइड का सहारा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ले रहे हैं, उससे इसराइलियों की, ज्यूज की छवि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और इसी के तहत अब जमीनी कार्रवाई की जाएगी, अर्थात पैदल सेना और टैंक डिवीजन हमास में एंट्री करेगा और इस तरीके से उत्तर से लेकर के दक्षिण गाजा तक एक बड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी होगा, गलियों में भी सेना तैनात की जाएगी, और इसमें समय लगेगा। और इसीलिए इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इसराइल की कोशिश है कि हमास
को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर गाजा के लोगों को गाजा का अधिकार करने की पूरी छूट दी जाएगी, क्योंकि इसराइल का गाजा पर अधिकार करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपको पता ही होगा कि अगर 40 किलोमीटर के इस दायरे में जिसमें गाजा अवस्थित है वहां पर इसराइल की सेना एंट्री करेगी तो भारी क्षति होगी इसराइल की सेना को भी और फिलिस्तीनियों को भी जो गाजा में रह रहे हैं, क्योंकि टनल्स में छिपे हुए गाजा में जो भी आतंकी हैं हमास के, वो बहुत ही आक्रामक भूमिका में होंगे और उनको स्थानीय जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी। हो सकता है कि वो बारूदी सुरंग भी बनाए हों जिसके कारण इसराइल के टैंक और पैदल सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं या उनको क्षति पहुंचाई जा सकती है। कुल मिला के आने वाला समय अब और खतरनाक होने वाला है, लेकिन इसराइल को जिस तरीके से पश्चिमी देशों का बड़ा समर्थन मिल रहा है और हथियार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं विशेष करके अमेरिका की तरफ से, लगता तो यही है कि ये युद्ध और खतरनाक मोड़ पर जा रहा है, वो भी उस स्थिति में जबकि हिजबुल्ला भी लेबनान के जरिए बाकायदा इसराइल पर हमले कर रहा है और इस हमले के प्रति बाकायदा इसराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अगर लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने यह कार्रवाई की तो समझा जाएगा कि लेबनान भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। और पहले लेबनान युद्ध में इसराइल ने क्या स्थिति लेबनान की बनाई थी ये हिजबुल्ला को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्ला भी वही गलती कर रहा है जो गलती 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने कर दी थी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हिजबुल्ला का भी हिसाब बराबर किया जाएगा। मतलब साफ है, इसराइल एक बड़े युद्ध को लड़ने की योजना बना चुका है, उसको अमली जामा पहना रहा है और अब गाजा पट्टी में इसराइल की पैदल सेना प्रवेश करेगी, इतना तय हो चुका है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।